धनबाद में बाबा की काली करतूत महिला के साथ किया गया छाड़पुक के बहाने वो काम जो जानकर आप रह जाएंगे चकित। जी हाँ, आपको बता दें, निरसा के गांव में लाल बाबा का काला करनामा सामने आया है। सरदर्द से परेशान नौ विवाहिता को इलाज के लिए परिजनों ने बाबा के पास ले गया था, जहां बाबा ने नौ विवाहिता के सास ससुर और पति को बाहर रहने को कहा, जहां लाल बाबा ने आश्रम के अंदर महिला का भूत उतारने लगे और भूत उतारते उतारते लाल बाबा नौ विवाहिता की इज्जत से खेल गए। सालुक चपड़ा में एक लाल बाबा आश्रम है और वहां पर श्मशान काली मंदिर है, उनके पुजारी और संचालक हैं भरत आचार्य, उनको लोग लाल बाबा भी कहते हैं और भारू बनर्जी भी उनका नाम है। उनके ऊपर वहीं सालुक चपड़ा के ही एक हरिजन महिला ने आरोप लगाया है कि बाबा के आश्रम में पूजा पाठ करने गई थी और इनको कुछ शारीरिक पीड़ा था, उसका इलाज कराने के लिए गई थी। उन्होंने बताया कि हमने सुना था कि आसपास के बहुत सारे लोग इनके यहाँ समस्या को लेकर आते हैं और बाबा से झाड़फूँक कराते हैं, तो इनको भी जब समस्या हुई तो ये बाबा के पास रात्रि में आए थे और तो ये महिला ने बताई कि हम लोग अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ हम लोग आए थे, तो मंदिर के अंदर हम लोग सभी अंदर आए थे, लेकिन बाबा ने इनको रोक लिया और इनके पति और इनके सास ससुर को मंदिर के परिसर से पूरे बाहर गेट से बाहर कर दिया था, यानी सड़क के तरफ कर दिया था और बोल दिया था कि जब तक यहाँ पर अंदर में हम पूजा पाठ करेंगे, इनका निदान करेंगे, तब तक किसी को प्रवेश नहीं करना है। और फिर बाबा ने इसको डराया धमकाया, इनको बताया कि हम जो कहेंगे वो मानना है और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर इनको एक तालाब के तरफ नीचे में एक श्मशान मंदिर है बनाया हुआ है, उसमें ले गया जाया गया और फिर पीड़िता ने बताई कि उसी रूम के अंदर इनके साथ बलात्कार किया। जब इनको मैंने पूछा कि आपको हल्ला करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए या बचाव के लिए कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि बाबा ने इनको बहुत डरा धमका दिया था और दो चार झाप इसको मारा भी था। और फिर ये वहाँ से घर चली गई और डर से नहीं बताई, बाद में ये अपने परिजनों को बताई। फिर ये लोग थाना आए और जब शिकायत मिली तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता से, उसके परिजनों से और जो आरोपी था सभी से पूछताछ किया।